नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। लोकसभा चुनाव के लिए छतरपुर जिले की अगर बात की जाए तो वोटिंग प्रतिशत 5 बजे तक जो आंकड़े सामने आए हैं वो 58.6% के हैं। यानी कि शुरुआत में जो उत्साह देखने को मिला वो उत्साह आखिरी तक कुछ ठंडा सा दिखाई देता है। यानी कि वोटिंग समाप्त होने तक जब आंकड़े आएंगे तो एक उम्मीद है कि लगभग 65% मतदान पूरे जिले में आएगा। आखिरी आंकड़े आने के बाद पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। हम आपको बता दें कि टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत महाराजपुर, छतरपुर और बिजावर विधानसभा के अंतर्गत जो मतदान हुआ है वो क्रमशः 59%, 60% और 57% हुआ है। वहीं दमोह लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बड़ा मलहरा में मतदान प्रतिशत 63 रहा। खजुराहो लोकसभा के अंतर्गत चंदला और राजनगर में 54% और 53% मतदान देखा गया। अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं ने 55% वोट डाले हैं, तो वहीं पुरुषों ने 60% वोटिंग का यूज किया है। लोकतंत्र के इस महापर्व पर आज लोकसभा का यहाँ पे आज पोलिंग है और हम सभी बड़े उत्साहित हैं, क्योंकि ये चुनाव जो है ये प्रधानमंत्री बनाने का नहीं बल्कि राष्ट्रहित का, देश हित का है। और हम सभी ने सौगंध ली थी, हम सभी ने शपथ ली थी कि हम सभी राष्ट्रहित में, देश हित में वोटिंग करेंगे। आज हम सभी ने वही किया। इस लोकसभा के चुनाव में जो ये लोकतंत्र का महापर्व है, हमारे जहन में, दिमाग में और मन में सिर्फ एक बात है, देश हित। और देश हित में हम सब ने वोट किया है और सबसे अपील भी करते हैं कि देश हित में सबको वोट करना चाहिए। मेरा वोट मेरा अधिकार, मैं डालूंगी। आज एक सिंगल वोट भी एक अच्छी सत्ता के लिए जरूरी होता है, तो ये वैल्यूएबल है, तो जस्ट इसके लिए हम लोग वहाँ से जहाँ तक गाड़ी रह चुकी है। खबर दिन भर में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।